उत्तर प्रदेश के उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ललऊ खेड़ा निवासी विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला शव। परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर काटा हंगामा। आपको बता दें कि पूरा मामला उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ललऊ खेड़ा निवासी विवाहिता का है, जिसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकता मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया, जिसके बाद परिजनों ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम हाउस के बाहर सड़क पर जाम लगाकर जमकर हंगामा काटा और इस संबंध में जानकारी दी। राम बाबू, हमारी लड़की है। कैसे, क्या घटना हुई है? घटना क्या हुई है, लड़की को मार के इन्होंने दहेज के पीछे, चोरी छिनारा के पीछे, बच्चों के पीछे सब उसको मार के पंखे में लटका दिया गया, ठीक है ना। अब वो कह रहा हमें 5 लाख रुपया दो। अब वो पंकज गुप्ता यहाँ बोल के गए हैं कि हम राकेश के बच्चों को, राकेश को कुछ होने नहीं देंगे। प्रशासन 5 लाख रुपया खा गया। राकेश कौन है? राकेश है ससुर बिटिया का, हमारी विधायक जी खुद आके यहाँ कह के गए कि राकेश के बच्चों को मैंने कदम नहीं छूने दूंगा, कुछ होना नहीं है। क्या आरोप है आप लोग किस तरह, क्या हमारा आरोप है? इनको फांसी का सजा सुनाई जाए। दहेज 5 लाख बता रहे हैं, 5 लाख रुपया, 4 पहिया गाड़ी मांग रहा है। हमने 2 5 ही निकाल दिया इसको, साले को बारात से साला तिलक करके बारात मुकर्रा जा रहा था, हमने 2 गाड़ी निकाली इसके खातिर। पुलिस कोई मारपीट करते थे कोई आपकी लड़की के साथ? लड़ाई तो इनके घर में 1.5-2 महीना हो रहे, अभी चल रही है। बाप साला अगल है, बेटा अगल है, वो साला अपनी मर्जी काम कर रहा। महीनों तो साला ये बिटिया खिया, वो बिटिया खिया, वो बिटिया खिया, साला काम करा रहा घर में खुद चना बोए। ससुर वही इज्जत बिटिया की मारी मांग रहा, मादा चोद हमारी बिटिया का साला, जान ले लिए। कार्रवाई इसको सीधे फांसी का सजा होना चाहिए। पुलिस ने अभी तक क्या किया? पुलिस हमारे साथ कुछ नहीं किया, पुलिस हमारे साथ अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। हमारे जाने के पहले वहाँ पुलिस बुला कर बैठा लिया गया था। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।